नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हैं, जीव विज्ञान के लेक्चरों पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज दोस्तों इसी सीरीज में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा होगा पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके हमारे एक से अधिक वीडियोज आएंगे, तो दोस्तों सारे वीडियोज को देखिएगा। हमारा मेन उद्देश्य होता है आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना, और बहुत बड़ी वीडियो भी ना हो कि जिसको आपको लगे देखने में कि बोरिंग हो रहा है, तो आप 20 से 25 मिनट की अगर एक हमारी वीडियोस बनती है तो उनको आप कंटिन्यूअस देखें और उनके नोट्स तैयार करिए। तो जो एनटीपीसी एग्जाम आप देख रहे होंगे दे रहे होंगे उसमें ज्यादातर प्रश्न जो बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पोषक पदार्थ होते क्या है, न्यूट्रिशन होते क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य जीवन में अगर कार्यों को कर रहा होता है तो कार्य करने के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी की। और एनर्जी हमें किससे प्राप्त होगी, वो पोषक तत्वों से प्राप्त होगी। तो किस तरीके से पोषक तत्वों को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं हमारे, और किस किस स्रोत के द्वारा हमारे शरीर में किस किस चीज की वृद्धि होती है, कैसे हमारे सेल्स डेवलप होते हैं, कैसे हमारे ऊतक बनते हैं, और किस तरीके से हमारे शरीर की टूट फूट मरम्मत होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं पोषक पदार्थ होते क्या है। तो दोस्तों बात करें अगर, तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी सिंपल भाषा में मैंने जो आपको भी डेफिनेशन बताई उसी के बारे में हम अगर बात करते हैं, यानी हमारी जैविक क्रियाओं के लिए जो संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर दोस्तों बात करें तो जैसे ऊर्जा उत्पादक हमारे पास पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, वृद्धि तथा निर्माण के पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, उपापचय नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, और आपका अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या है, फिर इनमें कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे डिफिनेशन में हम बात कर सकते हैं दोस्तों, पोषक पदार्थ से हमारा क्या तात्पर्य होता है। पोषक पदार्थ ऊतक और कोशिकाओं के निर्माण एवं उनकी मरम्मत करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जीवन की अगर हम सेल्स के बारे में बात करें, इकाई के बारे में बात करें, तो वो कोशिका यानी सेल्स होती है। सेल से ही हमारा क्या होता है, टिश्यूज यानी ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतकों से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन्स यानी अंग बनते हैं, और अंग तंत्र से क्या होता है, हमारा बॉडी यानी एक शरीर मनुष्य का तैयार होता है। तो उन शरीर को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से हमारे पास किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, उन तत्वों को हम चार कैटेगरी में यानी चार प्रकार से बांट कर देखते हैं दोस्तों। पहला हमारे पास आता है ऊर्जा उत्पादक, दूसरा वृद्धि तथा निर्माण, तीसरा आता है उपापचय नियंत्रक, और अनुवांशिकी पदार्थ। तो दोस्तों देखते हैं पहले कि ऊर्जा उत्पादक क्या होते हैं, ये हमारे किस तरीके से शरीर निर्माण में सहायक होते हैं, यानी पोषक तत्वों में किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए लाभकारी होते हैं। वे पोषक पदार्थ बात करें दोस्तों, तो वे पोषक पदार्थ जो क्या करते हैं, हमारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा उत्पादक यानी एनर्जी प्रोड्यूसर से हमारा तात्पर्य यह होता है। वे सारे पदार्थ जो हमारे शरीर को तत्काल एनर्जी दे दें, ऊर्जा दे दें, जैसे मुख्य रूप से बात करें दोस्तों उसमें आता है वसा, फैट और कार्बोहाइड्रेट। यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके देगा, इनमें से कौन सा पोषक या तत्व हमारे लिए ऊर्जा उत्पादक के रूप में कार्य करता है। तो वहां चार विकल्पों में से एक विकल्प आपका वसा या कार्बोहाइड्रेट में से होगा, बाकी उसके अन्य तत्वों में विटामिन डाल देगा आपका, और अन्य चीजें जैसे न्यूक्लिक एसिड डाल देता है, या इस तरीके से विकल्प आपके चार बनाए जाते हैं। तो उनमें से आपको ध्यान रखना होगा ऊर्जा उत्पादक के रूप में कौन से हमारे पास पदार्थ होते हैं, तो वो वसा होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। अभी डिस्क्रिप्शन में हम बहुत इस पे चर्चा करेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में उपयोगिता के आधार पर जो हमारे पास चार प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उन्हें हम किस तरीके से अपने शरीर के लिए या अपने कार्य करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो पहला आपने देखा ऊर्जा उत्पादक के रूप में मुख्य रूप से हमारे पास क्या होता है, फैट यानी वसा होता है। दूसरा जो दोस्तों होता है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ क्या होते हैं, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण
कि टूट फूट की मरम्मत करते हैं का मरम्मत करने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ कहते हैं, जैसे प्रोटीन। आप सभी देखते होंगे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटल केस में या किसी भी तरीके से बॉडी में किसी तरीके का फ्रैक्चर हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, प्रोटीन युक्त भोजन लेने के लिए सलाह देता है, क्योंकि प्रोटीन हमारा क्या होता है, हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए, हमारे टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं शरीर के निर्माण करने में मुख्य भूमिका इसकी होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को, क्वेश्चन पूछा जाए वे कौन सा पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर की टूट फूट की भरपाई करता है या मरम्मत करता है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोटीन। डिफरेंसेस देखते जाइएगा, ऊर्जा के लिए पूछा जाता है, एनर्जी के लिए, तो वहां पे आप लिखना है, तो वहां पे ध्यान रखेंगे वसा और कार्बोहाइड्रेट, और अगर हमारे पास बात करता है वृद्धि तथा निर्माण के लिए तो उसमें आ जाएगा प्रोटीन। यानी अभी आपने देखा उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा में मुख्य रूप से क्या क्या आ जाते हैं आपके पास, वसा आ जाता है और आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अगर बात करें दोस्तों वृद्धि निर्माण के लिए, तो ये प्रोटीन, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आता हमारे थर्ड नंबर पे उपापचय नियंत्रक, यानी मेटाबॉलिज्म क्या हमारे शरीर में होते हैं, यानी किस तरीके से हमारे शरीर के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। बात करें वे पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण, जल। देखिए यहाँ पे आपको मुख्य रूप से यही बिंदु याद रखना है, क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा डिफिनेशन से नहीं पूछता है, क्योंकि डिफिनेशन केवल हम अपने नॉलेज के लिए समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे, उपापचय नियंत्रक क्या है, चार विकल्प हो जाएगा वहां पे, एक विकल्प में आपका विटामिन, लवण या जल में से कोई एक होगा, बाकी तीन में आपके डिफरेंस होंगे, जैसे अभी पीछे हमने चर्चा किया वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। तो राइट आंसर क्या करना होगा आपको, वहां पे विटामिन ऑप्शन मिलेगा तो आप इसको टिक करेंगे, विटामिन नहीं होगा तो वहां पे लवण दिया होगा उसको टिक करेंगे, ये नहीं होगा तो डेफिनेटली दोस्तों जल जरूर होगा, तो इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चर्चा करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, अगर हम बात करें दोस्तों तो वो आता आपका अनुवांशिकी पदार्थ। जैसा कि मैंने अनुवांशिकी के बारे में चर्चा किया, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे, ग्रेगर जार मंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर अनुवांशिक पदार्थों के बारे में, अनुवांशिक लक्षणों के बारे में किसी ने खोज करी थी तो ग्रेगर जार मंडल थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक पिता या जनक भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं या अनुवांशिकी पदार्थ क्या, वे पदार्थ जो अनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए। पिछले वीडियोस में हम डीएनए के बारे में भी, आरएनए के बारे में भी, न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। मुख्य रूप से दोस्तों बस यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर हम बात करें तो अनुवांशिकी पदार्थ क्या होते हैं आपके, तो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, और अगर बात करते हैं उपापचयी वाले नियंत्रक में तो विटामिन है, लवण है, जल है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है वृद्धि तथा निर्माण के लिए प्रोटीन हो गया, और ऊर्जा उत्पादक के रूप में वसा और कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि अभी आपने क्या देखा, उपयोगिता के आधार पर हमने देखे किसके, पोषक पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं, उनमें मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होती इसको हम सभी ने देखा। अब आइए नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं, मनुष्य के शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता, यानी मनुष्य के विभिन्न कार्यों के लिए कितने पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, वो किस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अभी केवल हमने एग्जाम्पल देखा कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, या आपका विटामिन है, लवण है, जल है। अब इनके बारे में देखते हैं कि विटामिन के प्रकार क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि ये वीडियोस हम कई लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी पोषक पदार्थ के बारे में हम लोग कई वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें पोषक पदार्थ, तो हमारे पास पोषक पदार्थ खनिज लवण जिन्हें मिनरल्स कहते हैं, दूसरा आपका आता है प्रोटीन, फिर इसके बाद आपका विटामिन है, फिर आपका जल है,
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है आपका, वसा है और आपका न्यूक्लिक एसिड है, यानी इनको हमें अच्छे से जानना होगा क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक प्रश्न पेपर में जरूर पूछा जाता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा जेल बॉर्डर के पेपर में विटामिन का क्वेश्चन उठाया गया था, वहां पे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है या फिर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है या मुख्य स्रोत क्या है, इनसे ही प्रश्न बनते हैं। तो पहले आज हम लोग पहले पॉइंट को चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनके बारे में। खनिज लवण के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो हमारे शरीर के मुख्य रूप से कार्य करने वाले जो भी ऊर्जा के रूप में, मरम्मत करने के रूप में या हमारे कार्यों को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, वही सारे हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, यानी खनिज लवण कहलाते हैं। तो खनिज लवण से बहुत ज्यादा विस्तृत हमें जानकारी नहीं करना है, हमें पहला जो पॉइंट आता है वो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं, उन प्रकारों में किस किस तरीके से हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं, इनको चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दोस्तों आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम रेशियो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से रेशियो होगा, कार्बन एक के अनुपात में होता है, हाइड्रोजन दो के अनुपात में होता है और ऑक्सीजन का होता है एक के अनुपात में। यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म तभी निर्मित होगा जब क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में अगर मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करें से मिलकर क्या होते हैं, बने कार्बनिक पदार्थ शरीर की ऊर्जा के आवश्यकता की 50-70 यानी 50-70% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से होती है, यानी जिसमें आप समझ पा रहे होंगे इसको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हमारे शरीर के लगभग एक तिहाई हिस्सा हम कह सकते हैं, यानी 50-70% आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, 100% में बात करें तो 70% आपका एक बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है, यानी 50-70% अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट ही शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा की पूर्ति करते हैं यानी पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों बात करें कार्बोहाइड्रेट के तो 3 प्रकार होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार आता है मोनोसैकेराइड, दूसरा आता है डाइसैकेराइड, तीसरा आता है आपका पॉलीसैकेराइड। अब इनको चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। पहला दोस्तों बात करें मोनोसैकेराइड के बारे में, तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, यही से प्रश्न आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके पूछेगा कार्बोहाइड्रेट की कौन सी वो अवस्था है जो सबसे सरल होती है या सबसे साधारण होती है, तो आंसर आपका हो जाएगा मोनोसैकेराइड। प्रश्न यहीं से उठाएगा आपका, क्वेश्चन पूछा है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था उनमें से क्या है, तो आपके विकल्प होंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनमें से कोई नहीं, तो आपको वहां ऑप्शन टिक कर देना होगा मोनोसैकेराइड जिस भी ऑप्शन पे होगा। अब समझते हैं ये होते क्या, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्राइगोज, तो ये जो एग्जांपल्स हैं यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डाइसैकेराइड क्या होता है। सामान्य भिन्न मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं के संयोजन से आपका एक डाइसैकेराइड बनता है। डाई से मतलब ही होता है दो, यानी क्या होता है आपका दो अणुओं से मिलकर जो आपका मोनोसैकेराइड निर्मित होते हैं उन्हें को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड, यानी कार्बन की जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरी अवस्था होती है, वो क्या होती है आपकी पॉलीसैकेराइड। इसके कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। एक बिंदु आपका महत्वपूर्ण बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। प्राणी विज्ञान में आप देखेंगे जहां मैंने एक कोशिकी बहु कोशिकी पढ़ाया वहां पे आर्थ्रोपोडा समूह के बारे में बताया है,
आपको अगर आर्थ्रोपोडा का आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले आर्थ्रोपोडा समूह भी देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, उनके मैंने 9 प्रकार बताए, उन्हीं में से एक आर्थ्रोपोडा भी है। तो आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे होंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आइए अब समझते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन, इनको ध्यान देना होगा। केवल जो मैंने आपको बताए हैं एक बार फिर से सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। पोषक तत्वों की दोस्तों बात करते हैं, तो पोषक तत्व क्या होते हैं, जो हमारे ऊतक और कोशिकाओं को निर्माण एवं उनकी मरम्मत करने का कार्य करते हैं। उपभोक्ता के आधार पर अगर बात करते हैं हम, तो उपयोगिता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं जिनको आपने देखा। ऊर्जा उत्पादक क्या होते हैं, वसा कार्बोहाइड्रेट। वृद्धि तथा निर्माण के आधार पर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं उपापचयी नियंत्रक के बारे में, जिसमें आपका विटामिन लवण जल होता है। और इसके बाद अनुवांशिकी पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए होता है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोगों ने इसी में चर्चा किया, शरीर के लिए जो पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके खनिज लवण है, प्रोटीन है, विटामिन है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, आपके न्यूक्लिक एसिड है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने चर्चा किया, इसके बारे में फिर इनके अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया। फिर आपने यहाँ पे देखा मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो वो आपके ग्लूकोज होते हैं, ग्लाइकोज होते हैं, और मेनोज होते हैं, और टायरोज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइसैकेराइड में, तो दोस्तों वो होता है माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, इनकी भरमार है। आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव पेपरों में अक्सर आपने देखा होगा माल्टेज क्या है, सुक्रोज क्या है, लैक्टोज के बारे में चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारा ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड उनके कार्यों के बारे में और उनके स्रोतों के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।